नमस्कार दोस्तों, संस्कृत वागीश्वरी कक्षा की ऑडियो टेस्ट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूँ प्रतिभा आर्या। दोस्तों, आज की ऑडियो टेस्ट सीरीज में हम चर्चा करेंगे वैदिक साहित्य से संबंधित। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, काल की दृष्टि से संस्कृत साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर, दो भागों में। प्रश्न, सर्वापणि संवाद सूक्त में कितने मंत्र हैं? उत्तर, 11 मंत्र। संस्कृत में वेदांत ग्रंथ किसे कहा जाता है? उत्तर, उपनिषदों को। संहिता ग्रंथ कौन कहे जाते हैं? उत्तर, वेद। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? उत्तर, 1028। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? उत्तर, 10। निघंटु में कुल कितने अध्याय हैं? उत्तर, 5 अध्याय। यास्क के निरुक्त में कुल कितने अध्याय हैं? उत्तर, 14। पुराणी युवति ही यह किस देवता के लिए प्रयुक्त शब्द है? उत्तर, उषस देव के लिए। विश्ववारा किस देवता का विशेषण है? उत्तर, उषस देवता के लिए। यास्क के अनुसार आख्यात का लक्षण है भाव प्रधानम आख्यातम। ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं? 10,580। वर्तमान में कुल कितने ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध हैं? उत्तर, 18। यजुर्वेद के कितने भाग हैं? उत्तर, 2, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? उत्तर, अथर्ववेद से। वानप्रस्थ आश्रम से संबंधित ग्रंथ है? उत्तर, आरण्यक ग्रंथ। ऋग्वेद के पद्यों को कहा जाता है? उत्तर, ऋचा। विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है? ऋग्वेद। अग्नि शब्द संस्कृत में होता है पुल्लिंग। भारतीय परंपरा में वेदों को क्या माना जाता है? उत्तर, अपौरुषेय। मंत्रों के ज्ञान के कारण वैदिक ऋषियों को क्या संज्ञा दी गई है? उत्तर, मंत्र दृष्टा। ऋग्वैदिक काल में समाज कौन सा था? पितृमूलक। मातृ देवो भव पितृ देवो भव यह उक्ति किस उपनिषद से संबंधित है? उत्तर, तेतरीयोपनिषद से। ओमकार की मार्मिक व्याख्या किस उपनिषद में की गई है? उत्तर, मांडुक्योपनिषद में। ऋग्वेद में कई बार सोमपा शब्द किस देवता के लिए प्रयुक्त किया गया है? उत्तर, इंद्र के लिए। ऋग्वेद में नैतिक भावनाओं के प्रतिनिधि देवता हैं? उत्तर, वरुण देव। कस्मै देवाय हविषा विधेमः यह स्तुति ऋग्वेद के किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर, प्रजापति देव के लिए। इस प्रकार दोस्तों, वैदिक साहित्य से संबंधित कुछ विशेष प्रश्नों की आज हमने चर्चा की, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनमें से आपके कितने प्रश्न सही हुए, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।